क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर विच इज़ इंट्रैक्शन एंड कोआर्डिनेशन तो इंट्रैक्शन एंड कोआर्डिनेशन समझने के लिए सबसे पहले आप लोग को इंट्रैक्शन समझना ज़रूरी है तो so, इंट्रैक्शन की जैसे एक डेफिनेशन आप लोग को दिख रही है इन्वामेंट एंड विद अधर लिविंग बींग्स टू सर्वाइव ठीक है अच्छा जी इसका क्या मतलब हुआ कि इंट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप यानी लिविंग बींग्स जितने भी हैं जितनी भी जानदार मखलूक हैं उनका अपने इन्वामेंट यानी आस पास के माहौल हवा पानी के साथ कुछ ना कुछ इंट्रैक्ट है कुछ ना कुछ उनके उनके साथ उनका ताल्लुक है और आपस में भी एक दूसरे के साथ यानी आपस में ताल्लुक अब किस तरीके से इन्वामेंट के साथ इंट्रैक्ट है जैसे कि आप लोगों के आस पास एयर है ठीक है आप एयर की मदद से आप लोग सांस लेते हैं अगर हमारे आसपास एयर ना हुई तो आप लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ठीक है और एक दूसरे के साथ आप लोगों का ताल्लुक इस तरह कि आप लोग कोई भी एक अकेला आदमी अगर इस दुनिया में सिर्फ एक अकेला आदमी तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा हर आदमी को दूसरे आदमी के साथ एक इंट्रैक्शन बनाना पड़ता है एक एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बनाना पड़ता है टू सर्वाइव ठीक है इंट्रैक्शन इनेबल लिविंग बीग्स टू रिसीव एंड रिस्पॉन्स टू अ स्टीमुलस स्टीमुलस क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ आपको फ़िलहाल अभी एक कि इंट्रेक्शन जो है आ, की मदद से क्या करते हैं लिविंग बींग्स जो हैं रिसीव और रिस्पॉन्ड करते हैं स्टीमुलस क्या होता है वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा अच्छा जी कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है अब uh, बायोलॉजी में देखा जाए कोऑर्डिनेशन का मतलब यह है कि uh, आपकी बॉडी के डिफरेंट लिविंग थिंग्स आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जितनी भी चीज़ें अंदर पाई जा रही हैं आपकी बॉडी में ऑर्गन्स हो गए वो एक दूसरे के साथ एक आ, मुशावरत के साथ आ, एक एक दूसरे के साथ आ, मतलब ताल्लुक बनाए हुए हैं एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे की मदद के जरिए जो आ, जो भी है रिस्पॉन्स कर रहे हैं ठीक है आ, अब इसका आप लोग इस तरीके से ले लेंगे जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी का बैलेंस है वो बिगड़ नहीं रहा है ठीक है अब जैसे ये है कि आपका आपका जो दिमाग है जो कोऑर्डिनेशन में सबसे मेन रोल जो प्ले करता है दिमाग जो है उसका आपकी बॉडी के हर ऑर्गन से कोई ना कोई ताल्लुक है कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन है जिसकी मदद से वो रिस्पॉन्ड करवा रहा है वो कमांड करता है ब्रेन के हाँ ये काम करना है ऑर्गन को कोई ना कोई काम करना है तभी ब्रेन की मदद से आपका डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ तल्लक़ा बना हुआ जिसकी वजह से आपकी बॉडी का बैलेंस जो है बिगड़ता नहीं है मतलब आपकी बॉडी में कोई चीज़ कमी या ज़्यादा नहीं होती जैसी कुछ चीज़ कमी होती है आपकी जो बॉडी को नीड है उसकी मदद मतलब से वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है वापस उसी हालत में आ जाती है ब्रेन कमांड करते हैं हाँ कि इस चीज़ की कमी हुई है अब तुम इस चीज़ को वापस वापस उसी जगह पे लाओ जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन की मदद मतलब से आपकी बॉडी का बैलेंस बरकरार रहता है ठीक है अब हम लोग चलते हैं इंट्रैक्शंस की डिफरेंट एलिमेंट्स की तरफ मतलब ये आपकी बुक का है एक पेज है जिसमें इंट्रैक्शन के डिफरेंट एलिमेंट्स बताए गए हैं ये देखें आप इंट्रैक्शन इन्वॉल्व डिफरेंट एलिमेंट्स ठीक है ये फर्स्ट पैराग्राफ में वही इंट्रैक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दी है अब जो है स्टीमूलाए आ जाते हैं जो है डिफ सॉरी इंट्रैक्शनस के डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसमें स्टीमूलाय आता है रिसेप्टर आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑर्गन आता है जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में बताया मैंने आज स्टिमुलाई क्या होता है मैंने बताया है कि मैं आपको बताऊँगी तो स्टिमुलाय क्या होता है कोई भी चेंज आउटसाइड इन्वायरमेंट यानी आपके बाहर आपकी बॉडी के बाहर का इन्वायरमेंट या आपके अंदर बॉडी के अंदर कुछ भी चेंज हो रहा है ठीक है हवा में कमी ज़्यादी हो रही है हवा में ठीक है आपकी बॉडी में कोई चीज़ है जैसे केमिकल सब्सटेंस है कोई केमिकल सब्सटेंस कम ज़्यादा हो गया इसको आपकी बॉडी डिटेक्ट कर सकती है उसको उसको धाव हाँ के हाँ ये चीज़ कमी हुई है उसको इस तो ये जो कमी और ज्यादी है इस ची इस चेंज को जो कि बॉडी डिटेक्ट कर सके उसको स्टीमोलाय कहा जाता है ठीक है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है इंटरनल भी हो सकता है आपकी बॉडी के बाहर भी हो सकता है अंदर भी हो सकता है इसके नतीजे में आप कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करते हो ठीक है अब जो है इसकी टाइप्स हैं फिजिकल केमिकल एंड बायोटिक वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी फिलहाल आप लोग दूसरी चीज़ पर आ जाए अच्छा जी अब स्टीमलाय हो गया कोई भी बाहर में कोई कमी आ रही है बाहर आ रही है उसको कौन डिटेक्ट करता है हमारे जो है बहुत सारी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो इसको डिटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में कि हाँ भाई बाहर का टेम्परेचर लो हो रहा है हाई हो रहा है तो वो डिटेक्ट करने वाली बहुत ऑर्गन्स पाए जाते हैं जैसे टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए आपकी स्किन पे स्किन होगी रिसेप्टर कि हाँ टेम्परेचर लो हो रहा है बाहर आउटसाइड इन्वामेंट में या कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है अच्छा ये लेते हैं अपने डिटेक्ट करते हैं ठीक है इंटरनल एनवायरनमेंट फिर क्या है अब इनको सेंस ऑर्गन कहा जाता है रिसेप्टर्स को फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ uh, के जैसे कि आपका हो गया स्टीमुलाय uh, हो गया लो टेम्परेचर ठीक है लो टेम्परेचर हो गया आपका आउटसाइड इन्वामेंट आउटसाइड इन्वायरमेंट से लो टेम्परेचर हो गया वो हो गया है, यानी लो टेम्परेचर का मतलब है कि बाहर सर्दी हो गई है अब सर्दी है अब वो रिसेप्टर्स जो हैं आपकी प्रेजेंट जो है वो रिसेप्टर्स uh, जो हैं आपकी स्किन पे वो डिटेक्ट करें हाँ भाई सर्दी हो रही है बाहर तो अब अब क्या करना चाहिए ठीक है अब मैं आपको बताती हूँ अब उसने डिटेक्ट कर लिया रिसेप्टर ने अब कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि दूसरा जो कि तीसरा एलिमेंट है इंट्रैक्शनस का दिस कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स विच प्रोजेस इंफॉर्मेशन रिसीव बाय रिसेप्टर एंड प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स ठीक है कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करेगा रिसेप्टर ने वो रिसीव करा स्टीमला हाँ भाई सर्दी हो रही है बाहर सर्दी हो रही है ठीक है वो उसने रिसीव करा उसने कुछ सिग्नल्स भेजे सिग्नल्स भेजे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो पूरा एक आ, समझ लें कि हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है हर चीज़ को आ, हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन विद अदर ऑर्गन्स जैसे स्किन हो गई स्किन आपकी एक ऑर्गन है इसके साथ इसने इंट्रैक्ट करा हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब कोऑर्डिनेट सिस्टम ने इंट्रैक करा हुआ है उसने जो सिग्नल भेजे स्किन ने ब्रेन को ओ सॉरी स्किन ने जो भेजे आ, सिग्नल्स भेजे कोऑर्डिनेट सिस्टम को अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है ऐसा ब्रेन है ब्रेन है जो मेन चीज़ है वो ब्रेन है ठीक है ब्रेन जो है वो सिग्नल रिसीव करेगा अब वो एक ऐसा कमांड देगा कि हाँ भाई सर्दी हो रही है बाहर अब कुछ ऐसा करो कि वो सर्दी आपकी बॉडी को कोई इफेक्ट ना करे ज़्यादा सर्दी होगी तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना तो वो ऐसा कमांड भेजेगी कि हाँ कुछ ऐसा करो कि हाँ ये सर्दी रुक जाए तो आ, अब कमांड कौन भेजे कमांड भेजने के लिए वो फिर से सिग्नल्स निकालेगी अपने अंदर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सिग्नल्स भेजेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम सिग्नल्स भेजेंगे किसको अब जो आ जाते है सॉरी ये चेंज हो गया यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है सिग्नल्स भेजेंगे उसको पूरा देख लेंगे कि हाँ भाई ये ये प्रॉब्लम है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्स और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे कि हाँ अब ये रिस्पॉन्स क्या है कि क्या करना चाहिए ऐसा कि हाँ भाई ये जो है कंडीशन दोबारा नॉर्मल आ जाए तो अब क्या है रिस्पॉन्सिवनेस ऑर्गन को भेजेगी सिग्नल्स किसको भेजेगी पहले इसने रिसीव करा रिसेप्टर सिग्नल्स जो है रिसेप्टर से हाँ रिसेप्टर ने रिसेप्टर ने स्टीमलाय को रिसीव करा कि बाहर टेम्परेचर लो हो रहा है कोऑर्डिनेट सिस्टम ने इसको पूरा देखा हाँ भाई ये हाँ वाकई ये के बाहर जो है सर्दी हो रही है ठीक है अब हमें ऐसा कुछ करना है कि पूरा उसने एनालाइज़ करा उस स्टीमूलाय हाँ, पूरा परखा पूरा जांच पड़ताल के हाँ भाई ये ये हो रहा है बाहर बाहर जो है लो टेम्परेचर हो रहा है अब कुछ करना चाहिए तो उससे सिग्नल्स भेजे उसने किसको को रिस्पॉन्सिवनेस ऑर्गन को जो कि कहलाते हैं इफ़ेक्टर्स जैसे कि रिसेप्टर्स जो है वो सिग्नल को रिसीव स्टीमूलाय को रिसीव करते हैं फैक्टर्स जो हैं वो स्टिमूलाय के बदले कुछ रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे रिस्पॉन्स कौन प्रोड्यूस करेंगे फैक्टर्स प्रोड्यूस करेंगे दि ज्यादा विच प्रोड्यूस अब रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस करेंगे कैसे प्रोड्यूस करेंगे मसल जो है मसल आपके वो जो है ब्रेन जो है वो आपके मसल को कमांड करेगा कि हाँ भाई थोड़ा हाथ पैर हिलाओ और कुछ करो हाथ पैर हिलाओ और जैकेट पहन लो जैकेट पहनने से आपको क्या होगा कि हाँ आप आप जो है सर्दी से बच जाओगे जैकेट पहन ली आपने आप सर्दी से बच गए ठीक है आपने थोड़ा वैसे बॉडी में और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं इसकी मदद से आपकी बॉडी का जो त, जो बाहर का जो टेम्परेचर है जो कि सर्दी हो गई है लो हो गया टेम्परेचर टेम्परेचर लो होने का मतलब क्या है कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो सर्दी सर्दी में ठीक है कि वो उसने ऐसा करा है कि अब उसने बोला कि हाँ जैकेट पहन लो जैकेट पहन ली मसल को कमांड दिया हाथ पर रह और जैकेट पहनो जैकेट पहनी और आप सर्दी से बच गए इस तरीके से उसने पूरे एक प्रोसेस के ज़रिए एक आप कह लें कि पूरा जनरेट कर दिया एक वो दे दी कि हाँ भाई हाँ, एक आप जो बाहर का है जो है ख़राब हो गया है वो एक पूरे सिस्टम की मदद से दोबारा उस आ, आ आपकी बॉडी को जो है लो टेम्परेचर से बचाएगा ये तो एक एग्जाम्पल हो गई मैंने आपको लो टेम्परेचर की दे दी है एग्जाम्पल इसकी बहुत सारी एग्ज़ैम्पल है और भी ये तो आउटसाइड इन्वामेंट की सर्दी से आपको बचाए इनसाइड भी बहुत सारी चीज़ें इनसाइड ऑफ योर बॉडी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती जिसको उसको वापस बैलेंस uh, करता है जैसे कुछ केमिकल्स जो हैं जो आपकी बॉडी की नीड है बहुत ज़्यादा अगर वो कम ज़्यादा हो गया जैसे ग्लूकोज़ हो गया आपकी बॉडी में ग्लूकोज बहुत अहम किरदार बहुत सारे प्रोसेस में काम आता है अगर वो कम या ज़्यादा हो गया तो वो इसी की मदद से रिसेप्टर्स होते हैं कुछ जो इसको डिटेक्ट करते हैं उस वो भी फिर ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन जो है बोलते हैं हाँ वही ग्लूकोज लेवल कम हो गया वहाँ ब्रेन अपने सिग्नल्स देता है फैक्टर्स को फिर फैक्टर्स जो हैं ग्लूकोज लेवल को अगर कम हुआ हुआ है ग्लूकोज लेवल आपकी बॉडी में तो वो ब्रेन जो है कमांड भेज के फैक्टर्स को उसको वापस उसकी नॉर्मल पोजिशन पर यानी जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल है उस पर वापस ले आएगा चलिए मैं आपको अगली नेक्स्ट uh, वीडियो में और भी चीज़ें बताऊँगी अभी फिलहाल के लिए इतने